हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं ठेकुआ, जो कि बहुत ही फेमस बिहारी रेसिपी है। और ये ठेकुआ जो है ये खाने में बहुत ही अच्छा, एकदम खस्ता होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमें चाहिए गेहूं का आटा, ये गेहूं के आटे से ही बनता है। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर चीनी, मैं आज चीनी से बना रही हूँ, आप चाहे तो आप इसे गुड़ से भी बना सकते हैं। तो यहाँ है चीनी, इसके बाद हमें लेना है घी, आप चाहें तो आप इसमें रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं घी की जगह, लेकिन घी डालने से ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खस्ता बनता है। इसके बाद यहाँ पर है गड़ी, गड़ी कहते हैं सूखा नारियल को, इसे हमें एकदम बारीक काट लेना है, आप चाहें तो इसको मिक्सर में हल्का सा ग्राइंड कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर लेना है किशमिश, तो किशमिश को भी मैं काट ली हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में। इसके बाद यहाँ पर है सौंफ, सौंफ से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसके बाद है यहाँ पर छोटी इलायची, जिसको मैं कूट ली हूँ। तो ठेकुआ बनाने के लिए सबसे पहले हमें चीनी को पीस लेना है, तो मैं चीनी को मिक्सर में डालकर इसको पाउडर बना ले रही हूँ, आप चाहे तो आप पहले से भी पाउडर शुगर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा चीनी का पाउडर तैयार है। इसके बाद हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और उसमें हम डाल देंगे गेहूँ का आटा। इसके बाद जो चीनी का पाउडर हम बना कर रखे थे उसे इसमें डाल देंगे। फिर इसमें हमें डालना है सौंफ, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ कूटी हुई इलायची। इसके बाद यहाँ पर हमें डाल देना है घी, तो सारा घी हमें यहाँ पर डाल देना है। और इसके बाद इन सभी को हम हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे, इसे हमें अच्छे से एकदम मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ गड़ी यानी सूखा नारियल, और साथ ही साथ यहाँ पर हम डाल देंगे बारीक कटी हुई किशमिश। इन सबको भी एक बार हल्के से मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे पानी, तो पानी हमें थोड़ा थोड़ा डालना है, यानी एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हम गूथेंगे। इसका हमें हल्का सा टाइट आटा गूथना है, बहुत ज़्यादा इसको नरम भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा भी सख्त नहीं करना है, हल्का सा टाइट आटा इससे हम गूथेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये किस तरह का है, एकदम चिकना है और हल्का सा टाइट है। क्या होता है कि अगर हम इसे ज़्यादा देर तक छोड़ देंगे तो फिर ये मतलब हल्का सा गीला होने लगता है, इसलिए इसे सानने के बाद हमें तुरंत ही इसको बनाना होगा। तो पहले क्या करेंगे कि इससे हम इस तरह के लोई बना लेंगे, लोई आप अपने अनुसार छोटा बड़ा बना सकते हैं। इसके बाद ये है एक काठ का डिज़ाइन बना हुआ, इसको ठेकुआ ठोकने के लिए यूज़ किया जाता है, इसे सांचा या फिर क्या कहा जाता है वो मैं नहीं जानती हूँ। इसमें हमें सबसे पहले घी या तेल कुछ भी लगा लेना है, यानी इसको हमें ग्रीस कर लेना है। इसके बाद हम एक लोई लेंगे और इसको हम जहाँ डिज़ाइन बना हुआ है वहाँ हम इस तरह से प्रेस करेंगे, हमें इसको अच्छे से प्रेस करना है यानी इसे ठोकना है। और देख सकते हैं आप हमारा जो ठेकुआ है उसमें कितना सुंदर डिज़ाइन बना है। अब चलिए मैं आपको और भी डिज़ाइन से बताती हूँ, यहाँ पर मैं लंबे वाले डिज़ाइन बना रही हूँ। तो पहले हमें हाथ से इसको हल्का सा पत्ता की तरह इसको शेप दे देना है। इसके बाद जो इसका पीछे का साइड में डिज़ाइन है तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे और इसी तरह से हम इसको प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बहुत ही सुंदर पत्ते के जैसा इसमें डिज़ाइन आ गया है। इस सांचे में अलग अलग टाइप के डिज़ाइन होते हैं, तो आप जैसा चाहे वैसा इससे डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं आपको और एक डिज़ाइन दिखाती हूँ लंबे वाले, इसके किनारे में जो इस तरह के डिज़ाइन बने हुए हैं, तो हमें लोई को किनारे पर रखना है, ये भी लंबा में ही बनेगा। और इसको हम इस तरह से हल्का सा प्रेस करेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना अच्छा डिज़ाइन बन गया है। अब जिसके पास इस तरह का सांचा नहीं हो वो क्या कर सकते हैं, तो आप एक चाकू लीजिए और इसको हल्का हल्का से इस तरह से लाइन बनाइए, फिर दूसरे साइड से भी ऐसे लाइन बनाइए और लीजिए फ्रेंड्स, हमारा बिना सांचे का ही कितना सुंदर ठेकुआ का डिज़ाइन बनकर तैयार है। मैं आपको लंबे वाले भी डिज़ाइन बताती हूँ, पहले हमें पत्ते के जैसा इसको शेप देना है, इसके बाद हम चाकू से बीच में एक लाइन करेंगे और किनारे किनारे इसमें हम पत्ते के जैसा लाइन करते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये ठेकुआ का डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह आप अपने मन से और भी इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। तो हमारा सारा जो ठेकुआ है वो बनकर तैयार है, अब हमें इसे छानना है। तो इसके लिए
हम एक कढ़ाई में रिफाइन तेल डालकर गरम करेंगे। आप चाहे तो आप इसे घी में भी तल सकते हैं, मैं इसको रिफाइन में तल रही हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे, फिर आँच को हम धीमी कर देंगे और इसमें हम एक एक करके ठेकुआ डालेंगे। एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, जितना तेल में अट सके उतना ही डालेंगे, नहीं तो ठेकुआ जो है वो टूट सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको डालकर एकदम धीमी आंच में पहले 2 मिनट इसको हम एक साइड पका लेंगे ताकि ये थोड़ा सा टाइट हो जाए। इसके बाद इसको हम दूसरी साइड पलटेंगे, बहुत धीरे से इसको पलटना है, ठेकुआ नहीं तो टूट सकता है तेल में। और दूसरी साइड भी इसको थोड़ी देर तक पकाएंगे। इसके बाद इसको हम उलटते पलटते अच्छे से धीमी आँच में फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ठेकुआ जब हमारा एकदम अच्छे से हल्का गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए तो इसके बाद इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ध्यान रहे, ठेकुआ को हमें तेज़ आंच में बिल्कुल भी नहीं तलना है, नहीं तो क्या होगा कि ये ऊपर से तो ब्राउन हो जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चा रहेगा, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और अगर आप इसको धीमी आँच में अच्छे से फ्राई करके बनाएंगे तो आपका जो ठेकुआ है वो बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बनेगा और ये महीनों तक चलता है, यानी ख़राब नहीं होता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा जो ठेकुआ है वो बनकर तैयार हो गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा खस्ता बना है। आप इसको किसी एयरटाइट कंटेनर में 1 महीने से ज़्यादा भी स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।